फ्रेंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो सो टुडे आई विल टीच यू एरिया एंड पेरिमीटर सो एरिया एंड पेरिमीटर हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन है कि एरिया और पेरिमीटर होता क्या है और उन्हें कैसे निकालते हैं तो आज मैं आपको सिखाऊंगी इन्हें बहुत ही स्मॉल ट्रिक्स से सो सबसे पहले एरिया और पेरिमीटर निकालने के लिए आपको लर्न करने पड़ते कुछ फॉर्मूले और उनको यूज करके आपको एरिया निकालना होता है और पेरीमीटर निकालना होता है सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे सो so, स्क्वायर के एरिया निकालने का फार्मूला होता है साइड मल्टीप्लाई साइड रेक्टेंगल का होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ और ट्राइंगल का होता है वन बाई टू मीन्स टू मल्टीप्लाई बेस एंड हाइट सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एरिया ऑफ दी शेप्स तो हमारे पास कुछ शेप्स दी गई हैं उनका हमें एरिया निकालना है तो so, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है द बेस ऑफ ट्राइंगल इज सेवन सेंटीमीटर एंड हाइट इज थ्री सेंटीमीटर जो हमारे ट्राइंगल का बेस होता है वो है सेवन सेंटीमीटर और हाइट है थ्री सेंटीमीटर वन बाय टू मैंने अभी बताया टू टू मल्टीप्लाई बेस बेस है सेवन सेंटीमीटर सेवन टू ज फोटी उसके बाद हाइट है थ्री सेंटीमीटर तो आपको फोर्टीन निकालना है पहले टू और टू और बेस को मल्टीप्लाई करके बेस था हमारा so सेवन तो सेवन टू सा फोटीन एंड फोर्टीन थ्री सा फोर्टी टू तो फोर्टी टू हो गया हमारा ये ट्रायंगल का एरिया सो so, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द साइड ऑफ स्क्वायर इज़ फाइव सेंटीमीटर सो फाइंड इट्स एरिया तो हमारा जैसे ये स्क्वायर है और इसकी साइड है फाइव सेंटीमीटर तो हमारा एरिया निकालने का फार्मूला होता है स्क्वायर का साइड मल्टीप्लाई साइड मीन्स फाइव मल्टीप्लाई फाइव इज इक्वल्स टू ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर ट्वेंटी फाइव सेंटीमीटर हो गया हमारे इस स्क्वायर का एरिया So, our next question is the length of rectangle is 9 cm and base is 4 centimeter. So, this is the length of rectangle. This is of 9 cm and this is the breadth of rectangle that is of 4 cm. So, the formula is length multiply breadth. Length multiply breadth is equals to 9 multiply 4 is equals to 36 centimeter. Means 36 cm is. The area of this rectangle, so now we will teach perimeter so now we will learn perimeter so formula of perimeter is square four multiply side rectangle two multiply length plus breadth triangle area plus base plus height, so our first question is. फाइंड पेरीमीटर ऑफ दी शेप्स तो हमारे पास फिर से शेप्स दी गई हैं और उनके हमें पेरीमीटर निकालने हैं द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ फोर्टी टू सेंटीमीटर जो मैं ट्राइंगल का एरिया है वो है फोर्टी टू सेंटीमीटर और बेस है एट और हाइट है नाइन सेंटीमीटर सो दिस इज आवर ट्राइंगल सो so, जैसे कि इसका एरिया है फोर्टी टू सेंटीमीटर और इसकी हाइट है नाइन सेंटीमीटर और बेस है एट सेंटीमीटर ए मीन्स एरिया बी मीन्स बेस एंड एच मींस हाइट फोर्टी टू प्लस एट इज इक्वल्स टू फिफ्टी एंड फिफ्टी प्लस टाइन इज इक्वल्स टू फिफ्टी नाइन सेंटीमीटर सो फिफ्टी नाइन सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्राइंगल नेक्स्ट क्वेश्चन इज The side of square is 10 centimeter. Find its perimeter. So suppose this is our square and we have to find its perimeter. So the formula is 4 multiply side. 4 multiply side is equals to 10 multiply 4 is equal to forty centimeter. So the perimeter of this square is forty centimeter. So, our last question is the length of rectangle is 12 cm and breadth is 2 cm. Find its perimeter. So, suppose this is our rectangle and the length is 12 cm and breadth is 2 cm. So, 12 plus 2 is equals to 14 and multiply 2 is equals to 28 cm. Means the perimeter of this rectangle is. 28 cm So, if you like this video, then like, share and subscribe my channel. And don't forget to press off the bell icon. Or अगर ये video आपको अच्छा लगा, तो इसको share करना मत भूलना और channel को subscribe करना भी मत भूलना। So, meet you in the next video. Bye bye.